हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटेटिव गाइडर। कॉम्पिटेटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर 6 बिहारी के दोहे के सभी प्रश्नों का उत्तर। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहारी के दोहे का सभी प्रश्नों का उत्तर। तो फटाफट से इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, यदि चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इस वीडियो को। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें, जहां आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा और साथ में आप चैनल का प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक करें। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 8 का हिंदी चैप्टर नंबर। यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 में जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा है वो ये बोला है कि उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। फर्स्ट में कहा गया है बाह आडंबर व्यर्थ है। ख में कहा गया है नर्मदा का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है, बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। तो यहाँ पे ये आपको कुछ यहाँ पे बात दी गई है और आपको अपने श्लोक में देखना है और उसमें जो ये बात मिलता है उसको यहाँ पे लिखना है, उन दोहों को लिखना है। तो चलिए फटाफट से हमने यहाँ पे लिखा है क का जो है बाह अडंबर, इसमें कहा गया जप माला छापे तिलक सरय न इको कामू, मन काचे नाचे प्रीथा साचे राचे रामू। तो ये फर्स्ट श्लोक का ये यहाँ पे बात कही गई है और ये फर्स्ट दोहा है। उसके बाद ख में कहा गया है कि नर्मदा का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इसका जो उत्तर होगा वो ये होगा नर की अरु नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचे होए। इसमें नर्मदा का पालन करने की बात कहा गया है, यानी कहा गया है कि मनुष्य को आग की तरह, नील की तरह, नीर कहने का मतलब जल की तरह हमेशा गति नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे हवा चलता है वैसे वैसे वो ऊंचा ऊपर उठता जाता है। तो ठीक, आपको एक नियम का पालन करने चाहिए और यदि आप नियम का पालन करते हैं तो आप श्रेष्ठ बन सकते हैं। ये आपको ख में कहा गया है। ग में कहता है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। तो आइए इसका हमने श्लोक यहाँ पे लिखा है, बड़े न हो जे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनु गड़े न जाए। कहता है कि बड़ा कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, उसका गुण ही बड़ा होता है। ऐसे तो अब धतुरों को भी हम लोग कनक बोलते हैं, कनक का मतलब होता है सोना, लेकिन उसकी गहना या उसकी आभूषण नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे गुण ही बहुत बड़ा चीज है, ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। नेक्स्ट जो श्लोक है आपको यहाँ पे कहा है सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। तो आइए इसका भी हमने श्लोक यहाँ पे लिखा है, दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतु है दई दई सुख कबूली। इसका मतलब कहता है कि यदि आपको जीवन में कभी दुख ना हो, यदि आपको जीवन में कभी दुख ना हो, सिर्फ सुख ही सुख हो, तो आप अपने इष्ट को, आप अपने भगवान को भूल जाएंगे। और दही दियो क्यों करता है, दही कहने का मतलब दे दो क्यों करता है, हम लोग क्यों मांगते हैं, जो दिया गया है उसे तुम कबूलो। ये चीज इस वाक्य में कहा गया है, इस दोहा में कहा गया है। चलते हैं अगले पॉइंट्स के। अगला पॉइंट में कहा है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। तो आइए इसका उत्तर को देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इसकी उपमा में कवि ने कहा है कि राखो मेली कपूर में हींग न होत सुगंध। इसका मतलब है कि कपूर में हींग को मिला देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती। ठीक उसी प्रकार यदि आप दुर्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपको अच्छी बुद्धि कभी नहीं मिल सकती, हमेशा ही वो मतलब खराब ही बुद्धि आपको मिलेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए हम लोग भी भरते हैं। पहला जो कहता है वह कहता है नर की अरु खाली जगह ऊंचे होई,
तो ये आपको अपने दोहा में देखना है और दोहा में देख करके आपको भर देना है। तो जैसे ही आप दोहा देखेंगे तो उसमें ये आपको दिख जाएगा कि नर की अरु नल नीर की गति एकै करी जोई, जेतो नीचो हवे चले तेतो ऊंचे होए। इसमें आपको नल की अरु आपको दिख रहा है और बीच में खाली जगह छोड़ा गया है। और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा कर्सर को बताते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे ऊंचे होए, तो ये खाली जो रिक्त स्थान है उसमें यहाँ पे इतना भर देना है, यानी नल नीर की गति एक एक करी जो यहाँ से भरना है तेतो तक, तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा। चलते हैं अगले। अगला क्वेश्चन में कहता है, जप माला छापे तिलक साचे रचे रामू, यानी खाली जगह में आपको भरना है। इसका मतलब आपको समझा देंगे अगले वीडियोज में। और आपको यदि कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर जरूर से जरूर पूछ लीजिए उसको। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, जप माला छापे तिलक सरे न एको कोमु कामु, मन काचे नाचे प्रीथा साचे राचे रामू, तो ये आपको भर देना है। चलते हैं अगले में। ग कहता है, बड़े न हुजे खाली जगह गहनों गढ़ियों न जाए, यानी आपको इसमें भर देना है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा है, बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत दतुरो सो कनक गहनों गढ़ियों न जाए, ये आपको यहाँ पे भर देना है। फिर अगला है, कहता है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख खाली जगह दई सु कबूली, तो इसमें भी आपको भर देना है कि दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करते है दई दई सु कबूली, ये आपको यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। आइए इसका भी उत्तर हम लोग देख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि गोपियों ने कृष्ण से वार्ता रूपी आनंद की प्राप्ति के लोभ में कृष्ण की मुरली छिपा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को व्याकरण है, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं उसका लिखना है। जैसे भौ, भौ का मतलब होता है संसार और भौ मतलब ही होता है संसार, तो आप इसका पर्यायवाची कर देंगे। नर, नर का क्या हो जाएगा मनुष्य। ठीक उसी प्रकार से बाधा, बाधा का क्या होगा मुश्किल। तन, तन का मतलब शरीर होता है। न, नीर का क्या हो जाएगा जल, तो इस तरीके से आपको भर देना है। कनक का क्या हो जाएगा सोना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न शब्दों की आधुनिक या खड़ी बोली रूप लिखिए, जैसे कि अरु, अरु का मतलब क्या होता है और, फिर उसके बाद जेतो, जेतो के मतलब होता है जीतना, फिर उसके बाद तेतो, तेतो के मतलब उतना, फिर हरो, हरो का मतलब हर लो या समाप्त कर दो, फिर उसके बाद है वृथा, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार, फिर आपका है गुणन, गुणन का मतलब क्या होता है गुण, बिनु, बिनु का मतलब क्या होता है बिना या के अलावा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अर्थ लिख देना है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आज का वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और यदि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें तो और भी बेहतर होगा। और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में शेयर भी करें।